बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आल पाक फोर्सेस। स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इंग्लिश एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। और वंस अगेन स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चलें एमसीक्यूज को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, पार्टी मेक्स ब्लैंक हैप्पीनेस, तकवा खुशी का बायस बनता है। तो स्टूडेंट्स, इधर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा पार्टी मेक्स फॉर हैप्पीनेस, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर टू है हमारा, वी कैन कंपेयर ब्लैंक अ ड्रामा, हम जिंदगी का मुआजना ड्रामे से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इधर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो है वी कैन कंपेयर लाइफ टू अ ड्रामा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर थ्री है हमारा, आई वॉज एस्टोनिश्ड ब्लैंक हिज फेलियर, मैं उसकी नाकामी पर हैरान था। तो स्टूडेंट्स, इधर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज फेलियर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर फोर है हमारा, अख्तर वॉज ब्रोकन ब्लैंक फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड, अख्तर अपने पुराने दोस्त से बिछड़ गया था। तो स्टूडेंट्स, इधर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा आफ्टर वॉज ब्रोकन अवे। स्टूडेंट्स, जब भी ब्रोकन की बात आए तो उधर आपने फिक्स प्रीपोजिशन हमेशा आपने अवे को लगाना है। तो हमारा करेक्ट प्रीपोजिशन हो गया ऑप्शन सी। एमसीक्यूज नंबर फाइव है हमारा, ही इज फुली कंटेंट इन ब्लैंक हिज लाइफ, वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह मुतमईन है। तो स्टूडेंट्स, इधर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा ही इज फुली कंटेंटेड विद हिज लाइफ, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हेयर। एमसीक्यूज नंबर सिक्स है हमारा, द शॉपकीपर हैज चार्ज मी 10 रुपीज ब्लैंक दिस बुक, दुकानदार ने मुझसे इस किताब के 10 रुपये वसूल किए हैं। तो सुन, इधर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा द शॉपकीपर हैज चार्ज मी 10 रुपीज फॉर दिस बुक, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हेयर। एमसीक्यूज नंबर सेवन है हमारा, ही पार्टेड ब्लैंक ऑल हिज पोजेशन हैप्पीली, वो खुशी खुशी अपने तमाम माल के साथ जुदा हो गया। तो स्टूडेंट्स, इधर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा ही पार्टेड विद ऑल हिज पोजेशन हैप्पीली, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर एट है हमारा, ही इज नॉट लिविंग ब्लैंक हिज मीन्स, वो अपने वसाइल में नहीं रहता। तो स्टूडेंट्स, इधर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा ही इज नॉट लिविंग विद इन हिज मीन्स, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर नाइन है हमारा, असलम इज नॉट नॉन ब्लैंक माई ब्रदर, स्टूडेंट्स इसको सिंपली हम इस तरह कह सकते हैं कि मेरा भाई असलम को नहीं जानता। तो इधर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा असलम इज नॉट नॉन टू माई ब्रदर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर टेन है हमारा, ही इज केपेबल ब्लैंक डूइंग एनीथिंग, वो हर काम करने के काबिल है। तो स्टूडेंट्स, इधर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा ही इज केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर इलेवन है हमारा, यू शुड रिफ्रेन ब्लैंक हर्टिंग हर फीलिंग्स, आपको उसकी जज्बात को मजरूह करने से परहेज करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इधर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम हर्टिंग हर फीलिंग, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारा, ही इज लैक्स ब्लैक मॉरल्स, वो अखलाक में सस्ता है। तो स्टूडेंट्स, इधर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा ही इज लैक्स इन मॉरल्स, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 13 है हमारा, द रेन्स हैव सेट, बारिशें शुरू हो चुकी है।
तो स्टूडेंट्स इधर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा द रेंस हैव सेट इन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 14 है हमारा, यू शुड नॉट जस्ट ब्लैंक हिज पावर्टी, आपको उसकी गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। स्टूडेंट जस्ट का इधर मतलब है मजाक, तो इधर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा यू शुड नॉट जस्ट एट हिज पावर्टी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हेयर। एमसीक्यूज नंबर 15 है हमारा, सलीम अम्यूज्ड अस ब्लैंक जोक्स, सलीम ने हमें लतीफ़े सुनाए। तो इधर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा सलीम अम्यूज्ड अस विद जोक्स, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हेयर। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे इंग्लिश प्रीपोजिशन के एमसीक्यूज, उम्मीद करता हूँ आपको इन एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।